हरिद्वार स्थित अखंड परम धाम आश्रम में दो दिवसीय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक का शुभारंभ हुआ, जिसमें देशभर के कई वरिष्ठ साधु संत और विहिप के नेता प्रतिभाग कर रहे हैं। इस बैठक में जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाना, समान आचार संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर जैसे मुद्दों पर साधु संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के केंद्र मार्गदर्शक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं अखंड परम धाम के परमाध्यक्ष वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए साधु संतों और विहिप द्वारा 2022 तक का समय दिया जा रहा है। अगर तब तक राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिखती है तो फिर इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरी डेट उस चुनाव के पहले तक देखेंगे क्या क्या करते हैं। चुनाव के ये 5 साल का जो उन्हें टाइम मिला है ये करने के लिए मिला है, और वो भी कहते हैं नहीं, अभी तो आपने 2022 की बात की गुरुदेव, वो तो क्या हुआ, ये 19 है, 20, 21, 22, 22 तक हमारा राज्यसभा में भी शायद बहुमत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है। नहीं, वो बहुमत होगा तो बहाना करेंगे तो भी पता चलेगा ना। जी जी, जी। यानी कि मोदी सरकार को राम मंदिर के लिए 2022 तक का आप समय दे रहे हैं, उसके लिए भी और अंतिम निर्णय ले है? उसके बाद वो अंतिम निर्णय ले, इसके अंदर अंतिम निर्णय ले, बाद में नहीं, अंदर निर्णय ले। इसके अलावा वरिष्ठ संत स्वामी परमानंद सरस्वती ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान आचार संहिता लागू करना बहुत जरूरी है। पंजाब केसरी टीवी के हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।